कुल्लू वार्ड पंच संघ की मासिक बैठक में मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप के आदेश को वापस लेने की मांगों को लेकर आयोजित की गई। वार्ड सदस्यों ने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से दिन में दो बार हाजिरी लगाना काफी अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के कई इलाकों में इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, ऐसे में हाजिरी लगाना काफी कठिन है। सदस्यों ने केंद्र सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सबसे पहले तो मैं इतने भी मेरे वार्ड पंच के सहयोगी हैं सबका इस बैठक में आने का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो सरकार ने, जो पिछली सरकार ने जो हमारे ऊपर जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो एक सिस्टम वार्ड पंचों के ऊपर था, उसका कड़ा विरोध करते हैं। और पिछली सरकार थी जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिले थे, हमें आश्वासन मिला था कि भाई इसको जो वार्ड पंच के ऊपर इसको थोपा नहीं जाएगा। अब सरकार बदल गई है, सरकार ने आते ही जो हमारे ऊपर जो ये मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो वार्ड पंचों के ऊपर जो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोपी है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले समय में ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अगर वार्ड पंच संघ इसका बार बार, मैं ये बोलना चाहता हूँ पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ अपने सहयोगियों के सहयोग से, जितने भी जो वार्ड पंच संघ के ऊपर जो ये निर्णय दिया गया है, जो वार्ड पंच संघ इसका खड़ा विरोध करता है, आने वाले समय अगर हमारे ऊपर वार्ड पंच संघ के वार्ड पंचों के ऊपर ये जो जिम्मेदारी दी है, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम ये लड़ाई जो है आगे तक ले जाएंगे। हम सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया ये वार्ड पंच जो के खिलाफ है, और वार्ड पंच संघ इसका कड़ा कुल्लू विकास खंड के जितने भी वार्ड पंच हैं उन्होंने आज अपनी मीटिंग रखी और उसका अध्यक्ष जो मुझे नियुक्त किया गया है, मैं अध्यक्ष होने के नाते इन सब की तरफ से आप लोगों के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर ये निर्णय वापस नहीं ले गया तो हम इसके खिलाफ जो कड़ी हम सड़कों पर उतर जाएंगे। ये अभी हाल ही जी सरकार के द्वारा जो हमें वार्ड सदस्यों को जो जितने भी हैं सबको एक आदेश हुआ है कि जितने भी मनरेगा में जो कार्य हो रहे हैं उसमें जो है ऑनलाइन हाजिरी का हमें जो ऊपर से आदेश मिला हुआ है। तो लेकिन जो हमारा वार्ड संघ है, आज हमारी यहाँ पर बैठक थी, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी वार्ड सदस्यों ने जो इसका विरोध किया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो वार्ड सदस्य हैं उसमें आधा प्रतिशत जो 50% जो है महिलाओं को वो दी गई है रिजर्वेशन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो महिलाओं के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होंगे ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए, सबसे बड़ी समस्या ये कि ये है। लेकिन एक वार्ड में अगर मान लीजिए 5 से 10 लोग अगर काम निकालते हैं अपना, तो 10 जगह जाना ये संभव नहीं लगता है। तो मेरा एक सरकार से निवेदन रहेगा इसके ऊपर एक बार ज़रूर वो सोचे, विचार करें कि इसमें हम वार्ड जो सदस्य है इसका कैसा सहयोग करें। और हम चाहेंगे कि इसके लिए वार्ड सदस्य की जो भी सरकार सोचे इनके वेतन भत्तों के बारे में कि यहाँ पर कैसे ये काम किया जा सकता है। जो वार्ड सदस्य जो हम होते हैं, जब हमारी ग्राम पंचायत में बैठकें होती हैं तो हमें 600 रुपये मिलता है। तो जब हर साल देखा जाए तो जब भी सरकार अपना बजट लाती है तो प्रधानों को 1000-1000 रुपये बढ़ाए जाते हैं, लेकिन वार्ड मेंबरों को सिर्फ मात्र 50 रुपये। हालांकि हम लोग सब लोग यहाँ पर जनसेवा के लिए आए हुए हैं, लेकिन एकमात्र ये भी रहता है कि भाई सबसे ज़्यादा वर्डन जो है हमारे पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं उनको ऊपर रहता है। अभी जो हमारे जो वार्ड संघ बन रहे हैं, नगर में बना हुआ है, कुल्लू ब्लॉक में बना हुआ है, भुंतर में कुछ दिनों में एक अपना संघ बनाने जा रहे हैं, तो इसके पश्चात हम एक यहाँ पर बड़ी बैठक करेंगे जिला की। उस दिन यहाँ पर जो जिला के जो जितने भी हमारे जिलाधीश महोदय से मिलेंगे हम, और आप पत्रकारों से भी मेरा एक निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे अदर दूसरे जो ब्लॉक हैं प्रधान संघ हैं वो भी हमारी इस समस्या को करें, क्योंकि ये समस्या पूरे पंचायत में आने वाली है। यही मांग रहेगी कि जो इन्होंने ऑनलाइन हाजिरी का जो है लागू किया है कानून, इसके ऊपर वो सोच विचार करे, जितने वार्ड जो संघ हैं इनसे हम बात करें और इसको रद्द करें, मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा। तो हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो है बाढ़ बच्चों का संघ जो अभी बना है, तो हमें जो है हम आज बैठक में जो हमने मोबाइल मॉनिटरिंग के ऊपर जो आने वाली दिक्कत है उसके बारे में चर्चा की। तो कुल्लू का जो क्षेत्र है काफ़ी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो इसमें जो है मोबाइल मॉनिटरिंग में नेटवर्क का भी इशू रहेगा, और हमारे में से काफ़ी महिलाएँ जो है अनपढ़ है वो जो है मोबाइल ऐप को भी यूज़ नहीं कर सकेगी। तो मेरे हिसाब से जो है मोबाइल मॉनिटरिंग का जो है सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए।
बाढ़ पंचों का जो है वेतन भी थोड़ा सा वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने से थोड़े से उसमें जो है जनहित में जो काम हमारे द्वारा होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि मोबाइल मॉनिटरिंग के ऊपर भी विचार किया जाए और हमारे जो है वेतन मासिक मानदेय वेतन भत्ता है उसमें भी बढ़ाया जाए। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।